नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार साहू, आपका मेंटर, आप करियर गाइड। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वुगली स्टूडियो में। प्यारे दोस्तों, आज इस इम्पोर्टेंट क्लास के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोलोनोस्कोपी के बारे में। इससे पहले की दो लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट किए, जिसमें एक लेक्चर था दोस्त बेरियम्स वालों, बेरियम मील एंड बेरियम एनिमा। बच्चों, बेरियम मील एंड बेरियम एनिमा जो टेस्ट होते हैं, ये दोनों ही टेस्ट के अंदर हम एक्सरे क्लिक करते हैं, यानी कि बहुत सारे सीरीज ऑफ एक्सरेज विल बी टेकन। तो सीरीज ऑफ एक्सरेज विल बी टेकन, इसके लिए एक्सरेज क्लिक करने के लिए हम वहां पर फ्लूरोस्कोप यूज करते थे, जबकि यहां पर हम कोलोनोस्कोपी करने जा रहे हैं। तो कोलोनोस्कोपी करने के लिए हम एक इक्विपमेंट यूज करेंगे जिसका नाम होगा एंडोस्कोप। तो यहां पर जो इक्विपमेंट काम में आता है वो एंडोस्कोप कहलाएगा, वहां पर जो इक्विपमेंट काम आता है दोस्त वो कौन सा था, फ्लूरोस्कोप। तो फ्लूरोस्कोप मशीन से वहां एक्सरे क्लिक करते हैं और यहां पर एंडोस्कोप की मदद से हम ये जांच करने वाले। तो आइए जानते हैं, हम आज जानेंगे प्रिपेयरिंग ऑफ द पेशेंट एंड असिस्टिंग विद द कोलोनोस्कोपी। तो आइए जस्ट गाइस, वी आर जस्ट गोइंग टू नो अबाउट दैट। तो फर्स्ट आप इमेज देखिएगा, इन दिस इमेज द एग्जामिनर इज जस्ट डूइंग व्हाट। तो इन दिस इमेज द एग्जामिनर जस्ट इज डूइंग द कोलोनोस्कोपी इन्वेस्टिगेशन। क्या कर रहा है, कोलोनोस्कोपी किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, इन दिस टेस्ट द एग्जामिनर इज जस्ट डूइंग द कोलोनोस्कोपी। ओके, और कोलोनोस्कोपी करने के लिए आप जानते हैं कि जस्ट ये जो आपके पास है, ये जो आप देख रहे होंगे दोस्त, ये जो डिस्प्ले है, इस डिस्प्ले पे आपको नजर आएगा इसका कंप्लीटली विजुअलाइजेशन की कॉलन एंड रेक्टम किस तरह का नजर आता है। आगे बढ़ता हूं, बात को देखिएगा ध्यान से, चलिएगा। ये देखिए, आप थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखा देता हूं, ये मॉनिटर होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, यानी लार्ज इंटेस्टाइन का स्पेशली कॉलन पार्ट, और ये पेशेंट लेटा हुआ है। अब आपसे कहा जाएगा कोलोनोस्कोपी करने के लिए पेशेंट पोजिशनिंग वाला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। तो पोजिशनिंग के लिए याद रखिएगा, साइड लाइन पोजिशन देंगे और स्पेशली लेफ्ट लेटरल। ये मॉनिटर में आपको कॉलन दिखेगा इस तरह का, ये कॉलन की ओपनिंग दिख रही है आपको, इसकी किस तरह की इसमें अल्सर है, पॉलीप है, तो वो डिटेक्ट किए जा सकते हैं। आगे बढ़ता हूं अब मैं, आप जो ये इक्विपमेंट दिख रहे हैं दोस्त, ये इक्विपमेंट है कोलोनोस्कोप, कोलोनोस्कोप या एंडोस्कोप इसे आप कह सकते हैं। तो कोलोनोस्कोप एंड एंडोस्कोप में क्या क्या होता है, आइए जानते हैं। ये फ्लेक्सिबल टिप होता है, फ्लेक्सिबल टिप और कनेक्टेड टू सप्लाई यूनिट, यहां से कनेक्टर होता है जिससे कि हम इसको सप्लाई यूनिट से कनेक्ट करेंगे। देन यहां पर होता है कनेक्टिंग केबल, ये जो आप देख रहे हैं ये कनेक्टिंग केबल है, और ये है इसका हैंडल जिससे पकड़ते हैं हम इसको, और इसको इस मशीन से कनेक्ट किया जाता है। तो इस मशीन से ये देखो इस तरीके से कनेक्ट हो जाता है कि यहां पर इसका स्विच होता है जिससे हम इस मशीन से इसको कनेक्ट करते हैं, एंडोस्कोपी से इसको कनेक्ट किया जाता है। और ये एंडोस्कोपी मशीन का डिस्प्ले होता है जिसपे हमें टोटल विजुअल कॉलन दिखेगा, कॉलन का विजुअल एक्सपीरियंस हम इस मशीन के माध्यम से यहां पर लेंगे, और ये इससे कोलोनोस्कोप जुड़ा हुआ है, यानी एंडोस्कोप जुड़ा हुआ है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, ये वीआईपी क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली इसका फोटो आपसे पूछा जा सकता है। अरे भाई बोलो, अरे मेरे बब्बर शेरों शेरनियों, कौन कौन आप में से सुपर बुगली है बोलो भाई, हर हर बुगली घर घर बुगली, अरे मेरे सुपर बुगलीस, बराबर रेस्पॉन्स देते रहा करो, चुप मत बैठा करो, क्लियर है। और किस किस ने कर दिया है फीडबैक एंड रिव्यू वीडियो पर भी और वुगली ऐप पर भी, जिस जिसने कर दिया है वो फटाफट लिख करके बता दो मुझे, कर दिया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी सजा मिलेगी आप लोगों को, और कर दिया है तो आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रहेगी। और एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मैं बता देता हूं दोस्तों, कि वुगली जो आपकी स्किल टेस्ट सीरीज है, जो आपकी टेस्ट सीरीज है जो रेगुलर चलती है, स्किल टेस्ट वाली टेस्ट सीरीज, वो टेस्ट सीरीज पूरी कर लोगे आप तो दिल्ली एम्स के लिए आप परफेक्ट हो जाओगे। तो याद रखना, टेस्ट सीरीज जो स्किल टेस्ट की टेस्ट सीरीज है वो आपको पूरी करनी ही करनी है, अगर दिल्ली एम्स की तैयारी आप कर रहे हो तो, क्योंकि स्किल टेस्ट की जो टेस्ट सीरीज अपने रेगुलर चलती है, रोज एक टेस्ट होता है, दो टेस्ट होते हैं, तीन टेस्ट होते हैं, तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए दिल्ली एम्स के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल साबित होगी। तो जिन्होंने अभी तक भी ये टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट नहीं की है
वो आप प्लीज वुगली ऐप पर जाकर के और इस टेस्ट सीरीज को अटेंड करना शुरू कर दो। और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स यदि अगर आप चाहते हो कि भाई पहले के जो निकल गए वो कहाँ मिलेंगे, क्योंकि अभी 80 क्लास चल रही है, 80 क्लास हो चुकी है, 80 वीडियोस हो चुके हैं, तो उसके लिए आपको एक कोर्स बना हुआ है वहां पर एम्स एंड स्किल टेस्ट के नाम से, उस कोर्स को आप एक्टिवेट कर लीजिएगा। उस कोर्स के अंदर आपको पूरे 80 वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे और 80 ही नोट्स मिल जाएंगे पूरे वीडियो लेक्चर के, और टेस्ट सीरीज भी आपको उसके अंदर पूरी ही इनबिल्ट उसी कोर्स के अंदर इंक्लूड है। तो ये सब कंटेंट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे, यानी कि लगभग बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी दिल्ली एम्स की तैयारी हो सकती है ये सारे लेक्चर प्रिपेयर करने से। तो डेली रूटीन में जो वुगली की टेस्ट सीरीज होती है, स्किल टेस्ट वाली, ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगी, अंडरस्टैंड। और ये इक्विपमेंट जो आप देख रहे हो दोस्त, ये इक्विपमेंट है एंडोस्कोप। कौन सा एंडोस्कोप? जिसको कोलोनोस्कोप भी कहा जाता है। आइए जानते हैं किस तरह से कोलोनोस्कोपी होता है, इसका डेफिनेशन क्या है। कोलोनोस्कोपी इज द विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ रेक्टम, यानी कौन कौन से पार्ट्स को हम विजुअलाइज करते हैं कोलोनोस्कोपी के द्वारा। तो देखिएगा, रेक्टम, कोलोन और डिस्टल स्मॉल बोवेल, डिस्टल स्मॉल बोवेल, कोलोन एंड रेक्टम यूजिंग अ लॉन्ग फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक एंडोस्कोप। किसके माध्यम से? एंडोस्कोप के माध्यम से, जबकि वहां पर हम यूज करते थे फ्लूरोस्कोप। ये जो आप देख रहे हो, ये एंडोस्कोप का इमेज है जो एग्जाम में आएगा, यानी ये ग्रीन बैकग्राउंड वाला फोटो ही एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे, जिसपे कोई नाम नहीं लिखा होगा, आपसे कहेंगे इसको आइडेंटिफाई करके बताओ क्या है ये, तो आपको कहना है सब ये एंडोस्कोप है ये। जबकि मशीन जो आपने देखी थी पिछली दो जांच करने में, ये जो मशीन देख रहे हैं ये फ्लूरोस्कोप है। तो याद रखना, फ्लूरोस्कोप ये वाला होता है और वो इक्विपमेंट होता है एंडोस्कोप। ओके, अब आगे बढ़ता हूं, पर्पस क्या होते हैं कोलोनोस्कोपी के। तो कोलोनोस्कोपी यूज्ड टू इवैल्यूएट द एक्टिव और ओकल्ट लोअर इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। लोअर इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग को डिटेक्ट करने के लिए कोलोनोस्कोपी किया जाता है। तो कोलोनोस्कोपी के माध्यम से सबसे पहला देखिएगा आप, ऑकल्टेड ब्लीडिंग या फिर एक्टिव ब्लीडिंग, दोनों ही केसेस में कोलोनोस्कोपी किया जाता है। किसी को एक्टिव ब्लीडिंग हो रहा हो या किसी को ब्लीडिंग हो चुका है जो ऑकल्ट हो रहा है, वो भी इससे देखा जा सकता है। टू आइडेंटिफाई द एबनॉर्मलिटीज फाउंड ऑन द रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन, देन टू डायग्नोस द सस्पेक्टेड सीकल और असेंडिंग कॉलोनिक डिजीज, जैसे एनीमिया, कैंसर, इन्फ्लामेटरी बॉवल डिजीज, यानी कि IBD, यदि अगर यू वॉन्ट टू असेस देन विच टेस्ट इज कंडक्टेड, देन यू विल आंसर, हमें क्या कंडक्ट करना पड़ेगा, कोलोनोस्कोपी कंडक्ट करना होगा। व्हाट आर्टिकल वी नीड, तो लार्ज लाइट सोर्स, एंडोस्कोप, सक्शन एपरेटस, लुब्रिकेंट और टॉपिकल एनेस्थेटिक एजेंट। देन यहां ध्यान रखिएगा, एंडोस्कोपिक एसेसरीज, एंडोस्कोपिक एसेसरीज में क्या क्या होता है, जैसे कि बायोप्सी सीजर आपको रखना है, पॉलीपैक्टोमी स्नेयर्स, पॉलीपैक्टोमी स्नेयर्स बताऊंगा कैसा होता है, और साइटोलॉजिकल ब्रश, एक तो साइटोलॉजी ब्रश, पॉलीपैक्टोमी स्नेयर्स और बायोप्सी फोर्सेप, ये तीनों इक्विपमेंट्स काफी ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स है। तीनों के ही इमेज बेस में आपको लेक्चर के अंत में जरूर बताऊंगा। देखिएगा, डायलेटेड डिवाइस चाहिए, मेडिकेशन जैसे कि जो भी प्रिस्क्राइब किया जाए, प्रोब और हुड बायोप्सी फोर्सेप चाहिए, कार्डियक मॉनिटर, ऑक्सीजन सोर्स और आर्टिकल फॉर इंट्रोड्यूसिंग द CO2 टू डिस्टेंड द कॉलन। जनरल इंस्ट्रक्शन, फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट स्टेटस ऑफ द एल्डरली पेशेंट एंड दोज विद द रीनल और कार्डियक डिजीज टू कंसीडर ड्यूरिंग द बोवेल प्रिपरेशन। फिर जब आप बोवेल प्रिपरेशन करेंगे कोलोनोस्कोपी के लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन किसे देना है, सबसे इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन दिया जाएगा दोस्त पेशेंट के फ्लूड और इलेक्ट्रोलाइट स्टेटस को। तो फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट स्टेटस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ बोवेल फॉर द कोलोनोस्कोपी। बोवेल प्रिपरेशन के समय मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इज गिवन टू द फ्लूड और इलेक्ट्रोलाइट स्टेटस ऑफ द पेशेंट। तो ये आपका VIP क्वेश्चन है, आज के टेस्ट में आने वाला है और यहां से एक क्वेश्चन बनेगा जरूर। तो तैयार रहना आप, टेस्ट में किस लैंग्वेज में आएगा ये, किस तरीके से आएगा, वो आपको टेस्ट देने पर ही पता चलेगा। ओके, आइए जानते हैं प्रोसीजर किस तरह से किया जाएगा। एक्सप्लेन द प्रोसीजर, हमेशा की तरह जिस तरह से हम प्रोसीजर को एक्सप्लेन करते हैं वैसे ही करें। टू द पेशेंट द CO2 विल बी इंट्रोड्यूस इनटू द कॉलन
एंड मैं एक्सपीरियंस डिस्कम्फर्ट और एब्डोमिनल क्रैम्प ड्यूरिंग द प्रोसीजर। इन्फॉर्म्ड कंसेंट ले लीजिएगा। कीप द पेशेंट ऑन द लो रेजिड्यू डाइट। यहां भी आपको लो रेजिड्यू पर रखना होगा। कितने दिन पहले? 3 दिन पहले से। अंडरस्टैंड, बेरियम स्वेलो के लिए भी 3 दिन पहले से, और वहां 4 से 5 दिन पहले, यहां पर भी 3 दिन पहले से, बिफोर प्रोसीजर। और एनपीओ करना होगा 8 घंटे पहले। वहां मिडनाइट में करते थे, यहां पर 8 घंटे पहले हम कह रहे हैं कि 8 घंटे पहले पेशेंट को एनपीओ कर दिया जाएगा। देन एडमिनिस्टर द लैक्सेटिव। दोस्त, 1 से 3 दिन पहले पेशेंट को लैक्सेटिव एडमिनिस्टर किया जाएगा और क्लिंसिंग एनिमा दिया जाएगा। देन नाइट क्लिंसिंग एनिमा विल बी गिवन एट द नाइट बिफोर द प्रोसीजर। तो क्लिंसिंग एनिमा विल बी गिवन एट द नाइट। रात को क्लिंसिंग एनिमा दे दिया आपने, और 2-3 दिन पहले से, यानी 1 से 3 दिन पहले से आप पेशेंट को क्या कर रहे थे? लैक्सेटिव्स दे रहे थे, जिससे कि बॉवल प्रॉपर क्लीन हो सके। प्रोवाइड द कॉलोनिक वॉश। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां से मैं आपसे एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन बनाऊंगा, और याद रखना ये वीआईपी पार्ट है इसका। यानी कि यहां से क्या क्वेश्चन पूछेंगे आपसे? बॉवेल वॉश कैसे किया जाता है, इस बारे में आपसे प्रश्न पूछेंगे। तो देखिए, आइए जानते हैं कैसे होता है बॉवेल वॉश। तो बॉवेल वॉश किस तरह से किया जाता है, आइए जान लेते हैं। दोस्त, बॉवेल वॉश यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट। क्या यूज करते हैं? सॉल्ट फॉर्मूला यूज किया जाता है। जैसे कि कौन सा सॉल्ट? सॉल्ट का नाम याद रखना, सोडियम सल्फेट और या फिर पॉलीथाइलेन ग्लाइकॉल। दोनों सॉल्ट याद करना बॉवेल वॉश के लिए। पहला सॉल्ट यूज किया जा सकता है सोडियम सल्फेट, और दूसरा सॉल्ट यूज किया जा सकता है पॉलीथाइलेन ग्लाइकॉल। दैट इज डिजोल्व इन द 5 लीटर ऑफ वाटर। कितने में डिजोल्व करोगे? 5 लीटर पानी में इसको डिजोल्व किया जाता है। एंड एडमिनिस्टर ऑन द प्रीवियस इवनिंग अराउंड द 9 PM। रात को लगभग 9 बजे आपको एडमिनिस्टर करना है। देन 2.5 लीटर 2.5 लीटर ऑफ द सोल्यूशन इज टू बी एडमिनिस्टर्ड ऑन द मॉर्निंग। और लगभग 2.5 लीटर सोल्यूशन मॉर्निंग में आपको एडमिनिस्टर करना है ऑफ द डे ऑफ द टेस्ट, जिस दिन टेस्ट होगा। कितनी बजे? लगभग 5 से 8 बजे के बीच में। तो 5 लीटर सॉल्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है बॉवेल वॉश के लिए, और ये सॉल्ट हो सकता है सोडियम सल्फेट या पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल। और इसमें से हमें क्या करना है, एक तो 9 बजे इस सॉल्यूशन का हाफ पार्ट जो है वो पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है अस्टेन, और देन उसके बाद में हम प्रीवियस इवनिंग 9 PM के आसपास, एंड देन द 2.5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन टू द एडमिनिस्टर्ड ऑन द मॉर्निंग ऑफ द डे फॉर द टेस्ट बिफोर बिटवीन द 5 to 8 AM, और 2.5 लीटर सॉल्यूशन सुबह हम यूज करेंगे। तो 2.5 से तो वॉश कर दिया रात को, एंड 2.5 से आपने वॉश किया सुबह। तो टाइमिंग याद रखिए, रात को लगभग 9 बजे और सुबह लगभग 5 से 8 AM पे कोलोनोस्कोपी करेंगे। कोलन को वॉश कर रहे हैं, तो कोलन वॉश के लिए कोलन में कौन सा सॉल्यूशन इंजेक्ट करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं? तो सॉल्ट सॉल्यूशन यूज किया जाता है सोडियम सल्फेट का या पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल। दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस प्रोसीजर। Then advise the patient to take the clear fluid like the glucose water and the coconut water along with the prepared solution on the day of the procedure. Understand, guys? So on the day of the procedure, just day of the procedure, you can allow the patient clear fluids. जैसे कि clear fluids का example पूछेंगे, तो आपको जवाब देना glucose water और या फिर कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर एंड ग्लूकोज वाटर बोथ आर द क्लियर फ्लूड्स। तो ये भी काफी बेहतरीन क्वेश्चन बनता है दोस्त। कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है कि क्लियर फ्लूड का एग्जांपल बताइए, तो उसमें एप्पल जूस होगा, ऑरेंज जूस होगा, शरबत होगा, अंडरस्टैंड, या फिर कोकोनट वाटर होगा, या फिर उसके अंदर ग्लूकोज सॉल्यूशन होगा। तो ग्लूकोज वाटर दैट इज ऑल्सो कंसिडर एज द क्लियर फ्लूड, ये पेशेंट को आप अलाउ करेंगे। Avoid the pre-medication unless the patient is apprehensive or anxious. Administer the sedative if ordered. जरूरत पड़े अगर इस तरह का टेंशन में आ रहा है पेशेंट, परेशान है कि कैसे जांच होगी, कौन सी जांच होगी, तब फिर आप उसको सेडेटिव दे देना, ताकि उसकी चिंता को कम किया जा सके। क्लियर है? बोलो वे। अरे सिम्मी पाल, चाय पिएगी क्या? ले थोड़ी बहुत ले ले, पी ले, और थोड़ी बहुत पी के और बाकी दूसरे बच्चे को दे देना, राइट? थोड़ी थोड़ी बांट लो सब, ठीक है? ये लो, मिल गई, बताना जरूर कैसी लगी। ओके, चलिएगा। मेक द पेशेंट टू लाई इन द लेफ्ट लेटरल पोजीशन। अब आती है बात प्यारे बच्चों कि इस पेशेंट को हम कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करेंगे।
तो कॉलोनोस्कोपी के लिए पोजीशन याद रखिए, लेफ्ट लेटरल पोजीशन। कौन सा? लेफ्ट लेटरल। कौन सा बच्चे? लेफ्ट लेटरल पोजीशन इज यूज्ड टू प्रोवाइड द कॉलोनोस्कोपी, टू डू द कॉलोनोस्कोपी विद द लोअर लिम्ब फ्लेक्स। अब जब लेफ्ट लेटरल देंगे तो लोअर लिम्ब कैसे होने चाहिए, एक्सटेंडेड या फ्लेक्स? तो लोअर लिम्ब होने चाहिए फ्लेक्स, मुड़े हुए। कहां पर? एट द हिप। कहां पर? हिप पर। एंड नी एंड बटॉक्स एट द टेबल एजेस। पेशेंट टेबल के एजेस पर होगा, उसके जो लोअर लिम्ब्स है वो बिल्कुल मुड़े हुए होंगे, और हिप्स का जो पोजीशन होगा वो नी एंड हिप्स जो होंगे वो बेंड होने चाहिए, फ्लेक्स्ड होने चाहिए, ना कि एक्सटेंडेड। इससे क्या होगा, हेल्प्स इन द इंसर्शन ऑफ द कॉलोनोस्कोप इनटू द रेक्टम, ल्यूब्रिकेट द कॉलोनोस्कोप और असिस्ट इन द डॉक्टर इन इंसर्टिंग द कॉलोनोस्कोप। क्लियर? देन इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू टेक डीप स्लो ब्रीथ्स। याद रखना, जब कोलोनोस्कोप इंसर्ट किया जा रहा हो तब आप पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्ट करते हो, तो नर्सिंग इंटरवेंशन ड्यूरिंग द कोलोनोस्कोपी। क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट आर द नर्सिंग इंटरवेंशन ड्यूरिंग द कोलोनोस्कोपी? तो नर्सिंग इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द कोलोनोस्कोपी इज दैट टू टेक द डीप स्लो ब्रीथ। कब कहना है ऐसा, डीप स्लो ब्रीथ के लिए जब कोलोनोस्कोप इज बींग इंसर्टेड, जब कोलोनोस्कोप इंसर्ट किया जा रहा हो। अप्लाई द प्रेशर टू द एरियाज, उस समय ही आपको कुछ एरियाज पर प्रेशर अप्लाई करना होता है। आइए जानते हैं कहां पर प्रेशर अप्लाई करना होता है। एब्डोमेन पर प्रेशर अप्लाई करना है डायरेक्टली बाय द फिजिशियन एज पासिस द स्कोप थ्रू द स्प्लेनिक फ्लेक्चर। जब एंडोस्कोप स्प्लेनिक फ्लेक्चर को पास कर जाएगा तब आपको क्या करना है, एब्डोमेन पर थोड़ा 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 प्रेशर लगाना है। ओके, असेंडिंग कोलन और सीकम। आइए जानते हैं, ये है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज बोवेल, और ये इसका सीकम, ये कोलन और ये लास्ट रेक्टम। कोलन को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन और डिसेंडिंग कोलन। असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन और डिसेंडिंग कोलन। क्लियर है? तो आपसे कहा जा रहा है दोस्त कि यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है लीवर। क्या होता है? लीवर। और यहां पर क्या होता है दोस्त, दिख तो रहा है सबको बढ़िया? यहां पर क्या होता है? स्प्लीन। तो अब आपको मैं बात बताता हूं कि क्या कहने वाला हूं मैं, ध्यान से देखना। ये लीवर वाला एरिया है कॉलन का, और कॉलन का ये वाला स्प्लीन के नजदीक वाला एरिया है। तो कॉलन का ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं दोस्त, लीवर के पास होने की वजह से हिपैटिक, हिपैटिक फ्लेक्सर। क्या बोला जाता है? हिपैटिक फ्लेक्सर। और इस वाले पार्ट को कहते हैं स्प्लेनिक फ्लेक्सर। क्या कहते हैं? स्प्लेनिक फ्लेक्सर। ओके, तो ये स्प्लेनिक फ्लेक्सर है, ये वाला हिपैटिक फ्लेक्सर है। यहां जब कॉलन में दर्द होता है तो इसको हिपैटिक कॉलिक कहते हैं, और यहां पर होता है तो इसको हम स्प्लेनिक कॉलिक कहते हैं। ये लार्ज इंटेस्टाइन का लेफ्ट साइड है और ये लार्ज इंटेस्टाइन का राइट साइड है। इधर की साइड दर्द होगा तो राइट कॉलिक बोलोगे, इधर दर्द होगा तो लेफ्ट कॉलिक बोलोगे। ओके, अब आपने जो एंडोस्कोप इंसर्ट किया है वो कहां से किया? एनस रेक्टम के माध्यम से। तो ये एंडोस्कोप इंसर्ट कर रहे हैं अपन। एंडोस्कोप इंसर्ट करते समय याद रखना, एंडोस्कोप जब एंडोस्कोप जब स्प्लेनिक फ्लेक्सर को पास कर जाए, असेंडिंग कॉलन एंड सीकम एरिया को पास कर जाए, तो एट दिस टाइम थ्रू द स्प्लेनिक फ्लेक्सर, असेंडिंग कॉलन एंड सीकम, यू स्टार्ट टू अप्लाई द प्रेशर ऑन द एब्डोमेन। तो आपको क्या करना शुरू कर देना है, अप्लाई द प्रेशर ऑन द एब्डोमेन। क्लियर? जस्ट एडवाइज टू टेक द डीप स्लो ब्रीथ्स, देन मॉनिटर वाइटल साइन, कलर, वार्म, ड्राइनेस ऑफ स्किन, एब्डोमेन डिस्टेंशन, लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस और पेन टॉलरेंस। देन एक्सप्लेन टू द पेशेंट दैट द मे एक्सपीरियंस एब्डोमिनल क्रैम्प ड्यूरिंग द प्रोसीजर। कह दें कि भाई एब्डोमिनल क्रैम्पिंग होगा प्रोसीजर के दौरान। लेवल, हाँ दुर्गा राम क्या बात करें, बात ही तो कर रहे हैं अपन, तो अपनी तो टीचिंग ही ऐसी सिंपल है, बात करते करते ही सिखाते, कोई दिक्कत नहीं है।
मस्त रहो आप लोग, बढ़िया, आराम से बराबर रिप्लाई करते रहो। लाइक कर दो यार। अरे लाइक नहीं करा तुम लोगों ने यार, फिर मुझे अभी लेक्चर देना पड़ेगा लाइक पे। लाइक कर दिया करो यार, मैं जानता हूं तुम मुझे रियल में लाइक नहीं करते हो, लेकिन तुम कम से कम यहाँ यूट्यूब पे तो कर दिया करो। ये तो झूठा लाइक है, ये तो कर दिया करो, झूठे लाइक तो कर ही दिया करो, झूठे कमेंट भी कर दिया करो, राइट? सच में करो, नहीं करो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब क्या करना है, लेवल और ट्रांसपोर्ट द स्पेसिमेन टू द लैब दैट मे बी कलेक्टेड। अब आपने जो एंडोस्कोप के माध्यम से सैंपल कलेक्ट किया है, बायोप्सी सैंपल, उसको आप क्या करें, लेवल लगा के और लेबोरेटरी में भेज दीजिएगा, उसकी जांच होगी कि ट्यूमर है क्या है। क्लियर? देन रिकॉर्ड द प्रोसीजर इन द नर्सिस रिकॉर्ड। देन अब आती है पोस्ट प्रोसीजर केयर, तो मॉनिटर और डॉक्यूमेंट द वाइटल साइन एवरी 15 मिनट। अब यहां से आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि कॉलोनोस्कोपी के बाद में आपको वाइटल साइन मॉनिटर करने की फ्रिक्वेंसी क्या होती है। तो शुरुआत के जो 1 घंटा होगा फर्स्ट आवर, उसमें तो हर 15 मिनट में, और फिर उसके बाद हर 30 मिनट में आपको वाइटल असेस करते रहना है। साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि रेक्टम में ब्लीडिंग होने लगे, वॉमिटिंग होने लगे, सीवियर और परसिस्टेंट एब्डोमिनल पेन होने लगे, डिस्टेंशन होने लगे, रिजिडिटी हो जाए, मेलेस हो जाए, टेंडर टेनेसमस हो जाए। तो ये अगर ऐसा कुछ भी आपको फाइंड आउट हो रहा है ना दोस्त, तो याद रखना ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ये बोवेल में परफोरेशन को इंडिकेट कर रहे हैं। तो यहां से हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग्स इंडिकेट द परफोरेशन आफ्टर द कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी के बाद वो कौन सी फाइंडिंग्स है जो परफोरेशन को इंडिकेट करती है, तो इन्हीं में से ऑप्शंस बनाए जाएंगे, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। डॉक्यूमेंट टाइम ऑफ द प्रोसीजर और पेशेंट्स रिस्पॉन्स, प्रोवाइड द काम एनवायरमेंट और मेक द पेशेंट कंफर्टेबल। स्पेशल पॉइंट में क्या कहना है, पेशेंट में एक्सपीरियंस द फ्लैटुलेंस और गैस पेन बिकॉज गैस वॉज यूज टू डिस्टेंड द इंटेस्टाइन फॉर द बेटर विजिबिलिटी। हमने गैस इंसर्ट एडमिनिस्टर किया था CO2, इसलिए क्या हो सकता है, इसकी वजह से पेशेंट को फ्लैटुलेंस होता है प्रोसीजर के बाद। अब देखिए सैंपल कलेक्ट करने के लिए जो हम बायोप्सी फोर्सेप यूज करते हैं वो दिखने में कुछ ऐसी होती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट IBQ है जो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, बायोप्सी फोर्सेप। ओके, देन ये जो आप देख रहे हैं पॉलीपेक्टोमी स्नायर है। पॉलीपेक्टोमी स्नायर हो सकता है आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो, लेकिन ध्यान रखना टेस्ट में आएगा तो टेस्ट में क्लियर दिख जाएगा आपको। ये पॉलीपेक्टोमी स्नायर्स हैं। पॉलीपेक्टोमी स्नायर्स का क्या यूज होता है दोस्त, पॉलीपेक्टोमी स्नायर्स बायोप्सी के इसके वायर होते हैं ये एक तरह के, और वायर क्या करते हैं, पॉलिप जो होता है इंटेस्टाइन के अंदर, उस पॉलिप को कलेक्ट करने के लिए ये स्नायर यूज किया जाता है, ये वायर यूज किया जाता है, और इसीलिए इसका नाम क्या रखा, पॉलीपैक्टोमी स्नायर, पॉलिप को कलेक्ट करने के लिए यूज किया जाने वाला इक्विपमेंट। ये साइटोलॉजिकल ब्रश है जिसके माध्यम से हम सेल का सैंपल कलेक्ट करते हैं, साइटोलॉजिकल ब्रश के माध्यम से। ओके, देन ये आप देख रहे हैं इमेज, इस इमेज के अंदर क्या किया जा रहा है, तो इस इमेज के अंदर दोस्त कोलोनोस्कोपी किया जा रहा है, कॉलन का एंडोस्कोपिक जांच किया जा रहा है। ये एंडोस्कोपी होता है, एंडोस्कोपी में क्या क्या होता है ये भी जान लीजिएगा। यहां पर एक वीडियो कैमरा लेंस लगा होता है, वीडियो कैमरा जैसा देखा आपने जो आपके स्कूल कॉलेज के अंदर छोटा वाला जो कैमरा लगा होता है, वो रोड कैमरा, तो रोड जो कैमरा आता है, स्ट्रीट कैमरा जो आपका इंस्पेक्शन करता है, देखता है लोगों को, उसमें गोल गोल सा कैमरा लगा होता है अंदर, उसी तरह का कैमरा इसके अंदर एंडोस्कोप में भी लगा होता है। फिर यहाँ पर इरिगेशन के लिए पोर्ट होता है, यहाँ पर एक पोर्ट होता है जिससे फ्लूड दिया जाता है, यहाँ फिर एक लाइट होती है। ओके, और ये है इंस्ट्रूमेंट चैनल। तो इसमें चार सेक्शन मेनली होते हैं, एक तो कैमरा, इरिगेशन चैम्बर, लाइट और इंस्ट्रूमेंट चैम्बर, ये सारे इक्विपमेंट्स होते हैं कोलोनोस्कोप के अंदर। क्लियर है दोस्त? तो थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, लव यू डियर फ्रेंड्स। अभी 10 मिनट के अंदर आपका टेस्ट अपलोड हो जाएगा, तो टेस्ट को आप अटेम्प्ट करिए, और जिन्होंने वुगली टेस्ट सीरीज, स्किल टेस्ट वाली रेगुलर टेस्ट सीरीज नहीं करी है, मैं उन सबको भी यही सलाह देना चाहूंगा कि आप ये सारे टेस्ट पेपर्स
सोल्व करिएगा और सोल्व करके इनके क्वेश्चंस को लर्न करिएगा, क्योंकि आने वाला दिल्ली एम्स इन्हीं टेस्ट के ऊपर निर्भर करेगा और इसके बाहर कोई एग्जाम ऐसा नहीं होगा जिसका क्लिनिकल क्वेश्चन कभी चला जाएगा। और आजकल डे बाई डे जो एग्जाम्स का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है दोस्तों, वो बढ़ता जा रहा है क्लिनिकल बेस्ड। तो क्लिनिकल बेस्ड एग्जाम्स बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं और इसीलिए हमने ये निर्धारित किया था 2 महीने पहले कि अब हर स्टूडेंट का क्लिनिकल पोर्शन बहुत स्ट्रॉन्ग करना है और उसमें हम कामयाब होते हुए नजर भी आ रहे हैं। लगभग आज आपके 80 प्रोसीजर में कंप्लीट करवा चुका हूं और आने वाले टाइम पर और भी अभी क्लासेस आपको करवाई जाएगी। तो इस तरीके से जितना भी क्लिनिकल पोर्शन था वो क्लिनिकल वुगली के माध्यम से आप अपना हमेशा पढ़ सकते हो, कोई भी प्रोसीजर को डिटेल में, फुल डिटेल में सीख सकते हो। और डिटेल में सीखने के साथ साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पूरा ध्यान रखा गया है, यानी ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा गया है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता हो और उसके बारे में आपको नहीं बताया हो। अंडरस्टैंड? तो थैंक यू सो मच दोस्तों, लव यू माय डियर फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।